भागो वाले। चलो बिटिया। लाखन मिश्रा रुंधुन को ले गया। क्या? एक बार हमारी बिटिया को वापस ले आ। अपनी अम्मा की इतनी बात रख लो भैया, हमारी बिटिया को ले आओ। अम्मा लखंड मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा रिमांड पे लूंगा ना। अगर हमने कलसन मिश्रा की होते तो अब तक काट के चील कवों को थिरा दिए गए होते। पांडे जी। हाँ शुक्ला जी, आ रहे हैं। कलसन वाली छोड़ना नहीं। नमस्ते। कर मैं जानता था तुम ये हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब क्या हो रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमको अम्मा जी ने बोला रुंझुन को ले जाओ तो हम ले गए, अब ये नौटंकी काहे के लिए है? राम राम, काहे सफेद झूठ बोले जा रहे हो? हम कब कहे तुमका कि रुंझुन का लेके जाओ? अरे रुंझुन तो हमरी जान है, इसके बिना तो हम सांसों नहीं ले सकते हैं। तुमरे साथ भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्लो रानी तो? इसलिए चाचा जी अब तुम दबा के सीधे कट लो यहाँ से, नहीं तो काट देंगे। चलो निकलो यहाँ से। लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। हम अम्मा जी से अकेले में बात करेंगे। अगर अम्मा जी बोलेंगे कि अपने मिश्राइन को लेके यहाँ से चले जाओ तो हम तुरंत चले जाएंगे। घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, उन्हें भी तो देखना है, और ये जो सारा नाटक है ना किसी को पता ना चले। बेटा बेटी बाद में करियो, फालतू फंड का टाइम बर्बाद नहीं करो। हमरा जाके बाहर मेहमान को देखो, उनको का चाहिए ढंग से खिलाओ पिलाओ। इसे कौन करिए? चलो जल्दी। अबे ये पार्टी मैंने अपनी बेटी महादेवी के फर्स्ट आने की खुशी में दी है। अरे आप जानते हैं, अरे भाई मैंने ही पढ़ाया था उसे। हाँ सेठ जी नमस्कार। सेठ जी आपके उस केस का क्या हुआ? कुछ नहीं, हार गया। अरे कहे थे ना आपसे आप हमको केस दे दीजिए। अरे दो ही तारीख में केस फाइनल करा देते हम आपका। आप माने नहीं, ठीक है, लेकिन सेठ जी आगे से ध्यान रखिएगा। अम्मा तुमको तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए था। वो तो रोध हो के अपना काम निकाल लेती है, तुमने तो यहाँ कहानी बदल दी है। खुद ही भेजे और फिर खुद ही गिरगिट के जैसे रंग भी बदल दिए। अरे सौ कमीने मरे हुई हैं तब जाके कहीं तुम पैदा हुए अपनी अम्मा के पेट से लाखन मिश्रा। अरे तुमने तो भेड़िया गिरी की हद ही कर दी। हमें समझ में आ गया कि काहे 20 साल बाद इतना लाड़ दिखा रहे हो रुंझुन का। सुनो हमका रुंझुन की कुंडली मिल गई है। असली कुंडली कुत्ते की पूछ मरे के बाद हो सीधी ना हो। अरे ये तो भगवान बचाए लिए रुंझुन के तुम कमीनन का हाथ से। अरे कीड़ा पड़ी है लाखन मिश्रा, कीड़ा। रुंझुन के ले जाकर सपना
अब यहीं छोड़ जाओ। पिक्चर अभी बाकी है मिस रायन। अबे तेरा कुर्ता तो बड़ा ढासो है बे। मैंने? अरे मैंने बनवाया है ये कुर्ता भाई। है कि नहीं? हाँ? अरे रस्तोगी जी, हाँ आया आया। बेबी, हाँ? मुझे ठंडा पीना है। एक मिनट। रुंझुन, ए रुंझुन, ये रुंझुन पीना पता नहीं कहाँ चली जाती है। रुंझुन, बबली के लिए कुछ ठंडा लाओ। ये पता है कौन है? हमारी कंसन वाली चाची की बिटिया। रुंझुन, ए रुंझुन, हमारे फ्रेंड का गिलास लेके जाओ। जाओ। अब तो हम ये विचार रहे हैं कि हम ब्यूटी पार्लर का ही कोर्स करेंगे। हाँ, हमका माफ कर दो अम्मा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। का है अम्मा कि हम पेट के बहुत कच्चे हैं। तुमने हमें दवा दारू तो दी नहीं, पेट में जो बात थी तुरंत बाहर निकल आई। का बकिया है रो? अरे हम बकिया नहीं रहे। आपका ये जो होनहार बेटा रज्जू पांडे है ना, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको जब पता चला कि रुंझुन भागो वाली है, ठक करके बोल दिया, अरे सोने की चिड़िया हमारे हाथ में आ गई। वो तो वो अम्मा, वो तुम्हारी छोटी बहू का नाम है कलसन वाली, कितनी घटिया बात बोली। कहती थी रुंझुन को कलसन में जाके करोड़ों रुपए में बेच देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में किस्मत की कुंजी जो आ गई। देखो अम्मा, जितने हैं ना सारे कमीने के कमीने भरे हुए हैं। अरे वो तो चाहते नहीं कि रुंझुन की शादी हो। देखो ये सब कमीनों ने तय कर लिया कि ये सोने की चिड़िया की शादी कभी नहीं कराएंगे। ओ लोगन को बोलती बंद हो गई का अम्मा? बोल। तुम कब बताए दिए रुंझुन के असली कुंडली के? छी 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 अम्मा, हम इतने घटिया आदमी नहीं है अम्मा। देखो कान खोल कर सुन लो अम्मा, दावत खत्म होते ही अगर रुंझुन को हमार साथ नहीं भेजा, ये जो हम एक्टिंग करके बताए हैं सब ऐसा ही हो जाएगा। सबके सामने ये कुंडली का राज पर्दाफाश कर देंगे हम। अच्छा हम चलते हैं। अरे सुनो इधर, भैया भाभी जी को दो इधर। बिल्लो जरा देख लियो इधर। हाँ जी जी। आए हाय भाभी जी। कमीनी, पता नहीं क्या समझे थे अपने का। आज तो आप गज बैठा रही हैं। आपकी साड़ियाँ तो बड़ी सुंदर है। मिट्टू भाभी, ये साड़ी हमारी मायके की है। जब भी हम पहनते हैं लोग तारीफ जरूर करते हैं। तो? वैसे भाभी जी एक बात कहे, ऐसो साड़ी हमारे कलसन में बहुत पुराना मॉडल हो गए, एकदम आउटडेटेड। साड़ी तो हमारे बाप ले आवा थे एक से एक। समझ लियो साड़ी तो हमने कलसन में ही मिला थे भाई, एक से बढ़कर एक। ऐसा है क्या कलसन वाली? पहले कहीं नहीं बताया तुमने? हम बंटू जी को बोल के वहीं से मंगवा लेते स्टॉक में। तो अब बता दिया ना। तो आए हाय। अम्मा, अम्मा तुम यहाँ हो, हम तुमको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अम्मा, तुम रो रही हो, माँ की याद आ रही है। एक बात बताऊंगा, तुमका तुम्हारा
तुम्हारी अम्मा पर गुस्सा नहीं आता? नहीं, मरी है एक मुक्का, सच बताओ नहीं आता गुस्सा? आया था अम्मा, बहुत गुस्सा आया था। हम भी तो इंसान है ना अम्मा, क्या हमें गुस्सा करने का भी हक नहीं है? दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो हम सच में चले जाएंगे। हम सच में चले गए होते तो तुमने ये सवाल का जवाब देने के वास्ते तुम्हारी अम्मा या ना हो भेजोगी ना? आय हाय कर्म का फूटी बोझा रानी। आय मामी, हम देखते हैं, तुम खाना खा लेना, हम पानी भी लेकर आएंगे, ठीक है? चलो रानी चलो ना। हाँ टीना बंटू जी। अबे, अबे। काहे बोला तुमने? उन पब्लिक को जाके पब्लिक को छोड़ पहले ये बताओ तुम रसगुल्ले की देखभाल काहे नहीं कर रही हो? अच्छा तो हम ही रसगुल्ले की देखभाल भी करें? अब तुम का करियो, अंडा दियो या रखे? अरे अंडा नहीं दे रहे, वो तिवारी जी का लौंडा है ना, उससे हम काम की बात कर रहे हैं। अच्छा झूठे से? झूठा नहीं है, वो केस में हमारा गवाह है। और तुम है ना ज्यादा चपर चपर मत करो, वरना तुमको भी ना कचहरी में लटकवा देंगे। अबे सुनो, तुमरी का मजाल पे बिस्नु पाड़े, तुमरी जैसी कचहरी हम अपने आजू बाजू में लेके चला, तुम का खा ले उनका? वो खाड़ेंगे तो हम बाद में, पहले ये बताओ तुमको बुलाया का है तुमने? जाके पब्लिक को कपड़े पहनाओ भड़ा से। हाँ हाँ हमारी बहन महादेवी पास हुई है, उसी के लिए पार्टी रखी है। अरे बहुत दिमाग खराब करते हो यार तुम, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, हमें डांस भी तो करना है। तो पूरा कन्नौज में कौन रिश्ता नहीं हो सकत? हमरी महादेवी पास हुई गई है, अब कौनो अच्छा सा लड़का मिल जाए इसके लिए बस। अरे बोझा रानी, अरे चाय वाय पूछू लोग को। अरे मिट्टू हाँ? वो चौबे जी का लड़का है ना, अभी अभी सरकारी नौकरी निकाला है। अच्छा, देखने सुनने में बहुत अच्छा है, कहो तो बात करी। आय हाय हाँ हाँ काहे नहीं, कौनो मतलब जरूर होइए कल मोही का, तब ये फिकर जताए पड़ी है। अरे हाय हाय आपके मुंह में घी शक्कर, आप बात चलाओ, हम भी पांडे जी से बात कर लेते हैं। हाँ। हाँ, रुंजुन हम आते हैं। रुंजुन कुछ बता ना दे, हरामी लाखन बरम के उठाए ले जाए, भूज के खाए ले लखनवा का, पिंड छोड़े हमरी रुंझुन का, कुछ करे के पड़ी। अम्मा घड़ी का काटा कुछ कह रहा है, देखो चाल चलने की कोशिश मत करना हमारे सामने। दावत खुशी से जरूर शुरू हुई लेकिन खत्म होते होते कहीं रुंझुन को परेशानी ना हो जाए। लो अम्मा चाय पियो। बिल्लू रानी शरबत लाएगा? नहीं ना बंटू जी। अच्छा तो फिर चाय ले आते। कौन बंटू जी? बंटू जी कितने का पड़ा? बिल्लो बिल्लो आय हाय चाची जी,
ये कोने में खड़ी हुई के चुपके चुपके का ताछा कर रही हो? कहीं फिर से कोनो गलत इरादा तो नहीं है रुंझुनिया को ले जाने का? कैसी बात कर रही हो मिठो पांडे? हमरा कोई गलत इरादा नहीं है, हम तो वो बिल्लो को निहार रहे थे। कैसी जच रही है ना? ना बढ़िया बढ़िया जेवर पहना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो गाना है ना, बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दे। हाँ हाँ जस तो रही है। 2 किलो गहना लाद के कोनो जादूगरनी लग रही है। चाची जी तुम ना इधर उधर नजर ज्यादा मत दौड़ाओ, पार्टी है, पार्टी का मजा लियो और चुपचाप रास्ता नाप लियो। का है ना कि रुंझुनिया तब यह रही है। ये मीठी छुरी का कह रही थी? धमका रही थी हमको, कह रही थी रुंझुन को ले जाए के बारे में सोचो भी मत। अब का हुई है? अब हमार नाटक देख, देख हमार नाटक। अम्मा क्या सोच रही हो? क्या है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा बदल गया है, अब हम दावत खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकते। और तुम्हारी जो बहू है ना, का नाम है मिठो, उसकी मीठी धमकी से हमारा सर बौरा गया है। अम्मा हम भी तो यही कह रहे हैं, इतनी जल्दी काहे की है? खाना वाना खा के जाना, बच्चों की खुशी के लिए पार्टी है। अब तुम खाना खा के जाओगे तो उनको आशीर्वाद लगेगा ना? मैं भी यही कहने वाला था। और भाई मेरा मानना तो ऐसा है कि इस खुशी के मौके पर अगर दुश्मन भी घर आ जाए ना तो उसका दोस्त की तरह स्वागत करना चाहिए। रज्जू तुम जाके और मेहमानों को देखो, लाखन मिश्रा तो अपने घर का ही है। हाँ माँ, हाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ जाओ। लाखन तुम भी जाओ खाना खा लो। जी जी। हाँ बात चाहे तुम जितनी बदल लो अम्मा, अंजाम तो हम तय करेंगे, वही होगा जो लाखन मिश्रा चाहेगा। बस कुछ ही समय की बात है। बिल्लो पांडे सुनिए ना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ डाले। पूछिए। तोरा हार बहुत देर से देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। देखे असली है सोने का और नहीं तो का? और आप ऐसे कहीं बोली चाची जी? देखिए चाची जी हम नकली वकली जवाहर नहीं पहनते। हाँ और वैसे एक बात बताइए चाची जी, इतनी देर से आप हम पर टकटकिया काहे बांध दियो? अरे दत्ता रे यूं का, हम तो का टकटकी लगाए थोड़ी देख रहे थे, हम तो तोहरा जेवर देख रहे थे। ये देख बहुत सुंदर है, देखे ये कड़ा तो बहुत ही अच्छा है, कान भी एकदम नया डिजाइन का है ना? चाची जी आप बैठिए, हम अभी आते हैं। रुंझुन, ए रुंझुन, रुंझुन चाची जी को शरबत पिलाओ। अरे नहीं बेटा, तुम्हार चाची को डायबिटिक है और हमको भी डायबिटिक है। इधर आओ, आउट हो। ओ का हम बता रहे हैं तुमको,
तुम दोनों की डायबिटीज ठीक करे की कड़वी दवा हमें मिल गई है मिश्रा मिश्राएं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बहन महादेवी की महासफलता की खुशी में सिर्फ स्वादिष्ट भोजन का ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी इंतजाम है, तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। 1, 2 and 3 लेट्स रॉक पार्टी। दे दूंगा पार्टी आज मैं महान, मेरी बेटी बात हो गई। दे दूंगा पार्टी आज मैं महान, मेरी बेटी बात हो गई। अरे मैंने ही पढ़ाया उसे हर एक पेपर दिया, भूगोल इतिहास का लेक्चर। भगवान रज्जू पांडे लगे रहे। अरे मैंने ही पढ़ाया उसे हर एक पेपर दिया, भूगोल इतिहास का लेक्चर। कौन नची है भाई, कौन गई है यहाँ? बिल्लो के रूप जैसा बन गया फ्यूचर, महादेवी लाई बड़े सुंदर नंबर। अरे बंटे पांडे। हाँ बिल्लो के रूप जैसा बन गया फ्यूचर, महादेवी लाई बड़े सुंदर नंबर। कर दिया फैमिली का नाम के महादेवी पास हो गई, पास हो गई। दे दूंगा पार्टी बंटौआ भी छा गया, देखो कैसा गा के निकल लिए भाई। अंग्रेजी फिजिक्स में है बड़ी है सिकंदर, होम साइंस में भी आए 100 में 75। बहुत सपोर्ट मिल रहा है इनको भाई। अंग्रेजी फिजिक्स में है बड़ी है सिकंदर, होम साइंस में भी आए 100 में 75। कोई नहीं ऐसा ज्ञानवान, महादेवी पास हो गई, पास हो गई। महादेवी बड़ी गुणवान, अव्वल नंबर पास हो गई। महादेवी बड़ी है महान, क्लास में वो पास हो गई। तो क्रिकेट सम्राट हैं। ओ महादेवी ने मारा है एग्जाम में छक्का, सारा कॉल देख हो गया है हक्का बक्का। कर दी एग्जाम की बाउंड्री पार के मेरी बहन पास हो गई, पास हो गई। कर दिया फैमिली का नाम, महादेवी पास हो गई। कर दिया फैमिली का नाम, महादेवी पास हो गई। अरे भाई ये क्रिकेट सम्राट भी कमाल कर गए हो, सुरताल से बिना किसके माहौल में 4-4 लगा लियो। पांडे जी बड़े गुणवान, महादेवी पास हो गई। पांडे जी बड़े गुणवान, महादेवी पास हो गई। पांडे जी को दुनिया भर की है नॉलेज, जेब में धरे है वो सारा कॉलेज। दिया बिटिया का बेड़ा पार, महादेवी पास।
पास हो गई, कर दिया फैमिली का नाम महादेवी पास हो गई। पूरा परिवार सिंगर है भाई, मिठो भी छा गई। बेटी की कम रज्जो पांडव की गुणगान को ज्यादा ही नहीं गा गई। तुम लुट गई हो। हाँ। अरे बंटू जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? सबको क्या ही बता रहे हैं? बंटू जी हमारी ये जेवर चोरी हो गया। बंटू जी हाँ हमें लगता है चोर घर का ही है।